बहुत खुश हूँ कि मेरे काम को इतना एप्रिसिएशन मिला और एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। 20-25 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए और तो 25 साल की जर्नी है मेरी, तो इतना टाइम लगा जी मेरे को यहाँ पहुँचने में। बस यही है कि अभी मैं अच्छा क्रिकेट खेलता रहूं और जितना देश के लिए खेल सकूं उतना खेलूं, अपनी स्टेट के लिए, देश के लिए, और जो आईपीएल रहता है तो आईपीएल में खेलूं, अच्छा करूं। वहाँ दिल्ली के इंग्स और टीम इंडिया इंग्स आपको देख के बहुत प्रभावित होंगे कि अर्जुन अवार्ड मिला और ये मोटिवेशन देगा उनको भी और आगे बढ़ने का? अगर बिल्कुल, आई होप कि उन्हें मोटिवेशन देता हूँ और बिल्कुल एज अ स्पोर्ट्समैन एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और जितने भी स्पोर्ट्समैन को मिला उन सबको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और यही है कि सब हमारी टीम जितनी भी है सब अच्छा करें। बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में अर्जुन जब अपने तीर को मछली की आंख में मारा था तो कहानी सुनते थे, आज देश के वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड अर्जुन अवार्ड जब आदरणीय राष्ट्रपति जी से लिया तो बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है। किसी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक पैरालंपिक में मेडल जीतना और अर्जुन अवार्ड जीतना तो यही दो एक लक्ष्य होता है, तो कहीं ना कहीं वो महसूस होता है कि हमने ये लक्ष्य प्राप्त किया है, तो भगवान को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं कोशिश करिए, कभी हार कभी जीत लगी रहती है। गलतफहमी रहता है कि कोई पढ़ता है तो वो खेल नहीं पाता है, खेलता है तो पढ़ नहीं पाता, तो ये गलतफहमी को दूर करना होगा। और जनरली हर युवक हो युवती हो कोई ना कोई खेल खेलते ही है, उसको भी डेली कम से कम 1 घंटे अच्छे से खेलिए तो आपको मेंटल और फिजिकल फिटनेस अच्छे से रहेगा। बाद में तय करिएगा प्रोफेशनल खेलना है या आपको पैशन की तरह खेलना है, दोनों जहाँ परस्यू कर सकते हैं बिल्कुल। आप अगर दिल के साथ कोई काम करते हैं उसमें सफलता आज नहीं तो कल मिलनी ही है।